सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने जो केस स्टडी रखी जा रही है वो एक ऐसे बंदे की केस स्टडी है जो अपने बेटे से परेशान था। उनका जो बड़ा बेटा था वो जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता था उसमें उसे नुकसान होता रहता था। बहुत बेटा उनका मेहनती था लेकिन जहां कहीं भी वो पैसा लगाता उसे नुकसान होता। तो उन्होंने यूट्यूब से देखा होगा नंबर, उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने कहा कि क्या रीजन है हमें समझ नहीं आ रहा। तो जब उसकी कुंडली देखी गई तो मेष लगन की कुंडली थी, फादर की कुंडली देखी हमने, ठीक है, बेटे की कुंडली नहीं देखी हमने, फादर की ही कुंडली देखी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के रिगार्ड करा था क्वेश्चन और उन्हें बेटे का टाइम एक्यूरेट पता नहीं था। तो हमने फादर की ही कुंडली देखी और फादर की कुंडली मेष लगन की कुंडली थी। उसमें जो सन जो था, सन जो कि बड़ा बेटा माना जाता है, पिता भी माना जाता है, साथ में बड़ा बेटा भी माना जाता है, उसका नेगेटिव हिट आ रहा था 12th हाउस पे, ठीक है। तो 12th हाउस पे नेगेटिव हिट आ रहा था और वो 5th हाउस में सन उनका बैठा हुआ था सूर्य। तो मैंने उनसे एक बात पूछी बस कि आप ये बताइए कि आपका जो बड़ा बेटा है क्या उसका बेडरूम साउथ ईस्ट में है, क्या वो वहां सोता है या वहां पे अपना टाइम स्पेंड करता है या वहां कोई उसकी पिक लगी हुई है, साउथ ईस्ट में क्या है उसका। तो उसने कहा कि, फादर ने कहा कि साउथ ईस्ट में मेरे बेटे का खुद का बेडरूम ही है। वो बहुत जो है क्या नाम कह सकते हैं कि उसका काम में मन नहीं लगता था, तो यूट्यूब से ही वीडियो देख के हमने साउथ ईस्ट में उसका बेडरूम बनाया कि जिससे कि उसको क्या है थोड़ी सी उसकी हैबिटेशन आए काम करने की। तो उसमें काम में मन तो उसका लगने लगा लेकिन साथ में क्या उसका एग्रेसिव नेचर हो गया और साथ में ही वो डिसीजन बहुत जल्दी लेने लगा, बिना किसी से सोचे बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन लेने लगा और पैसा इन्वेस्टमेंट भी करने लगा जिससे कि उसे नुकसान होने लगा। यही प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने कहा ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, साउथ ईस्ट में से उसका बेडरूम हटाना है उस बच्चे का और उसको जो है आप WSW में शिफ्ट करिए, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट में उसका बेडरूम शिफ्ट करिए। और साथ ही में हमने उनसे कहा कि जो है ऑरेंज शेड में जो है या मेहरूम शेड जिसे बोलते हैं इस शेड की जो है बेल्ट वो यूज करे और साथ में ही WSW में अपना जो है बेडरूम शिफ्ट करे, बस इतना काम करना है। उसके बाद आप मुझे 1 महीने बाद जवाब देना और 1 महीने बाद आपको पता है रिजल्ट कैसा आया होगा। पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला, जो कुछ वो इन्वेस्टमेंट करने लगा उसमें उसे फायदा हुआ। साथ में हाँ उसे एक रेमेडी और हमने बताई थी, उसे हमने कहा था कि आप जो है अपने बेटे से कहना कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करे वो पार्टनरशिप में करे और यदि शादी हो चुकी है तो अपने वाइफ के नाम पे करे, पत्नी के नाम पे करे। और साथ में ये बेल्ट की रेमेडी बताई उसे और साथ में बेडरूम शिफ्ट किया, बस 3 रेमेडीज बताई थी। और 1 महीने बाद शॉकिंग रिजल्ट मिले, उसको फायदा हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट वो करने लगा उसमें उसे फायदा होने लगा। यही हिट थ्योरी कोर्स है, हिट थ्योरी की रेमेडीज हैं ये जो बहुत सटीकता से रिजल्ट देती हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ पे सामान गलत रखा है, कहाँ आपका बेडरूम है, कहाँ पे आपका सामान है, ये सब चीज हटाई जाती हैं। और नहीं, फादर कहते हैं कि हम ये बेडरूम नहीं हटा सकते, तो हम कहते हैं कि ठीक है उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो WSW में टाइम स्पेंड करें, किसी भी तरीके से उसकी फ़ोटो वहाँ पे लगाइए और साथ में ये बेल्ट यूज़ करिए, ठीक है, ये भी रेमेडीज़ बताते हैं। तो इस टाइप की जो है रेमेडीज़ बताई जाती हैं इसमें।